वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ मीटियोर 250 की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज और कैसा ये अलग अलग टेरेन पर परफॉर्म कर रही है उसके रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो ये वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है हमारा रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 की, इसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है हिल्स पे, कैसा आप इसमें कॉर्निंग कर पाएंगे हिल्स पे और कैसा इसका जो अलग अलग टेरेन में परफॉर्मेंस रहेगा वो मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ इस पूरी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आप देखेंगे कि कैसे इसको मैंने अलग अलग टेरेन पे चलाया है और उसका क्या परफॉर्मेंस रही है, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियो में जो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं अपनी कॉर्निंग के कुछ वीडियोस। इट्स जो शॉर्ट में आप देखिए, बाइक की स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली 50-55 किलोमीटर पर आवर फोर्थ गियर। अब इसमें तो आप जो है कंसोल देख पा रहे होंगे, तो अभी बाइक आपकी थर्ड गियर में है और विदाउट एनी एफर्ट क्रूज कर रही है। तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छी लगेगी जब इसे चलाएंगे, तो जो उसके हैंडल बार की पोजीशन है ना, उसकी वजह से आपको ये काफ़ी कंफर्टेबल लगेगी और आप इसको इजीली मैन्यूवर कर पाएंगे। जैसे क्लासिक में क्या है ना कि उसके जो हैंडल बार सेटअप है वो थोड़ा नीचे है एज़ कम्पेरिजन टू मीटियोर 350, तो इसकी वजह से इसमें हैंडलिंग आपको जो है आपकी काफ़ी ईजी लगेगी जब आप इसे चलाएंगे। इतनी ईजिली आप इसे मैन्यूवर कर सकते हैं। जैसे कोई नॉर्मल भी है, जो नॉर्मल शख्स है जो शाइन या पल्सर या कुछ भी चलाता है XYZ, तो वो जब इसे चलाएगा तो उसको कुछ पावर उसे बहुत ज़्यादा लगेगी और थोड़ा सा वेट बाइक का ज़्यादा है। अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है बंदा तो उसको ये बाइक चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ पे देखिए बाइक फोर्थ में है और बगल में होंडा सिटी चल रही है, तो कितना बढ़िया पुल कर रही है। और यहाँ पे दो लोग हैं बाइक में, मैं अभी प्लेन को लेके कैरी कर रहा था यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि बाइक जो है फिफ्थ गियर मांग रही है क्योंकि स्पीड आप देखिए 60 से और जो है पुल कर रही थी है। और यहाँ पे इजीली मैं फिफ्थ गियर मार सकता था, लेकिन उससे ये होता कि बाइक की स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती और पहाड़ों में हमें स्पीड में कंट्रोल रखना होता है, नहीं तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि पत्थर आ सकते हैं या कोई एकदम से जानवर आ सकता है ऊपर पहाड़ी से। तो दोस्तों जो यहाँ पे आप ये शॉट्स देख रहे हैं, तो लगभग हर शॉट में बाइक जो थी वो फोर्थ गियर पे ही थी, यहाँ पे भी फोर्थ गियर पे थी क्योंकि थर्ड गियर तो उसमें, जैसे अब देखिए यू टर्न पे देखिए आप, यहाँ पे मैं इसको थर्ड गियर में, क्योंकि यू टर्न है, यू टर्न में आप स्पीड ज़्यादा रख नहीं सकते। तो दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि इसकी पावर और इसकी जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है। आपको हिल्स में जो है इस टाइम में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं तो काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। ये अगला यू टर्न अगेन, यहाँ पे बाइक फोर्थ गियर पे थी और 50 के आसपास ही जो थी मेरी स्पीड रही थी। ये डिक्लाइन के कुछ शॉट्स शुरू हुए हैं, डिक्लाइन भी सेम है, बस आपको थोड़ा ब्रेक में कंट्रोल रखना है और सही गियर में ही आप
आपको पहाड़ में जब आप चलाते हैं तो डिक्लाइन करते हैं। कितनी स्मूथली बाइक में कोई जब अपने जब ये पहाड़ की ओर हम जा रहे थे तब भी आपने इसकी आवाज़ सुनी थी और अभी भी आज साउंड सुनी, कितनी कानों को प्यारी लगी इसकी आवाज़। तो दोस्तों अभी तक हमने बात करी थी बाइक की कॉन्डिशन के बारे में और अब हम बात करने वाले हैं बाइक की परफॉर्मेंस, जो कि अलग अलग जो टेरेन है जैसे जहाँ पे ग्रेवल जैसे जहाँ ग्रेवल बिछा हुआ था वहाँ पे भी हमने ये बाइक की टेस्टिंग करी है और जहाँ पर रोड अच्छी है जहाँ पर रोड संकरी है पतली है तो वहाँ पे भी हमने इसे चलाया है और जो ख़राब सड़क है जहाँ पे एकदम जहाँ रोड बनने जा रही है यहाँ पर ग्रेवल बिछा हुआ है तो वहाँ पे तो आप इसको फर्स्ट एयर में ही चलाएंगे क्योंकि अगर ज़्यादा चलाएंगे तो आपके टायर में कट लगने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आप इसको धीरे से ही चलाइए ग्रेवल जैसी जहाँ जगह होती है क्योंकि आप अपने टायर की भी सेफ्टी रखेंगे। तो वहाँ पे आपकी हैंडलिंग में आपको कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि हैंडलिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एज़ कम्पेरिजन टू क्लासिक और हिमालयन की मैं टेस्ट ड्राइव भी इतनी ग्रेवल सड़क पे नहीं करी है तो मैं इसे कंपेयर करूँगा क्लासिक के साथ ही। क्लासिक में आपको थोड़ा इश्यूज रहते हैं जब आप इसको जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब सड़कों में चलाते हैं, लेकिन इसमें वो आपको इश्यूज़ नहीं मिलेंगे, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। और हाँ, जहाँ पे रोड पतली है वहाँ पे भी आपका अभी मैंने वीडियोस आगे बनाए हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसमें आगे आप देखेंगे उसमें और आप अभी भी देख लीजिए वीडियो में। तो इसमें जो था ये रोड आप देख रहे काफ़ी पतली है और इसमें हमने जो कोई भी इसमें इश्यूज़ नहीं हुए, बाइक पूरे कंट्रोल में थी और अभी मैं आपको और आगे दिखाता हूँ वीडियोस आगे देखिए। तो दोस्तों इस क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे हम बाइक को एक सर्कल में या फिर जो एट होता है तो उसमें हम उसको कैसे टर्न कराते हैं और विद अ मिनिमम रेडियस। ठीक है, तो बाइक फर्स्ट गियर में है और एक फील्ड था जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, देख रहे होंगे आप ये जो एक पतली सी बजरी और मिट्टी होती है तो वो एरिया है। कोई इशू नहीं है इसमें, आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलेगी क्योंकि वाइट टायर होने की वजह से। ये हम थोड़ा आगे एक पतली जो गांव की रोड थी उसमें हम निकले। ये रास्ता जो है ये नैनीताल से ऊपर जूलीकोट के तरफ को हम गए। यहाँ पे बाइक हमारी फर्स्ट गियर में है और कोई एक्सीलेटर हमने नहीं दिया है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ढाल थी डिसेंट, तो हम यहाँ पर ऑलरेडी कर रहे हैं साथ देख रहे हैं विदाउट एनी एक्सीलेटर। कहीं पर अगर ज़रूरत है तो बस थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया, नहीं तो देखिए यहाँ पे देखिए कितनी कम जगह है और इजीली आप इसे मैन्यूवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए तो अगर यहीं पर आपके पास क्लासिक होगी तो उसमें आपको थोड़ा बहुत इश्यूज रहेंगे एज़ कम्पेयर टू मीडियम एंड अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके स्किल कितने हैं और आप कितना हैबिचुअल हैं अपनी बाइक के साथ। तो मुझे जो अभी जो टाइम हुआ है बाइक चार के वो लगभग 2 महीने होने को आए हैं और अप्रॉक्स 1200 किलोमीटर जो है मैंने ये चला लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो सड़क है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसमें दोबारा से ग्रेवल बिछा के उसके ऊपर मिट्टी बिछाई गई है और बारिश के बाद ये थोड़ा और ज़्यादा ख़राब हो गया। अगेन यहाँ पर कोई इशूज़ नहीं आए बाइक में, बाइक सेकेंड गियर में है और ईज़िली हैंडल बार्स में आपको कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी और इजीली आप इसे मैन्यूवर कर सकते हैं। ये पीछे गौला नदी से जो है हम ऊपर एक रोड में मिलने के लिए एक रास्ता है तो यहाँ पे भी हम गए हैं, यहाँ पे भी हम गए बाइक को टेस्ट किया, कोई इश्यूज़ नहीं और इजीली सेकंड गियर में गाड़ी पुल कर दी। अगर आप देख रहे होंगे तो जो रोड है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो यहाँ पे बाइक फर्स्ट गियर में ही जाएगी क्योंकि अगर सेकेंड आप डालेंगे तो थोड़ा रोड जो है बहुत गंदी होगी तो बाइक में काफ़ी ज़्यादा आपको जो है पॉट होल्स में हिट करेंगे तो फटके काफ़ी ज़्यादा लगेंगे।
फिर से मैं बताना चाहूँगा कि बाइक फर्स्ट गियर में है और जो एक्सीलेटर है वो मैंने 5% ही दिया हुआ है क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सीलेट नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा आपको सेकेंड गियर डालने के लिए मैंने एक्सीलेट ज़रूर किया है। तो फ्रेंड्स, ये रोड है और इससे अभी मैं अपनी बाइक लेके आने वाला हूँ क्योंकि ये एक दोस्त के घर जाने का शॉर्टकट रास्ता है, नहीं तो मुझे 3 या 2 किलोमीटर का एक लंबा फेर लेना पड़ेगा और यहाँ से दूरी सिर्फ 100 या 200 मीटर के आसपास है। तो ये रोड जो है यहाँ से बाइक बहुत कम आती है, ठीक है। और ये देखिए आप, ये कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हमारी जो है मीटियोर कैसे आई, कितनी आ पाएगी, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कैसे लेके आया जा रहा है। चलिए चलते हैं आगे। तो अपनी मीटियोर खड़ी है वहाँ पे, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने ये वीडियो देखा है और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अपने जो ये 14 मिनट इस वीडियो को दिए हैं तो आपको जो भी इसमें कमियां लगी या जो आप और मुझसे जानना चाहते थे जो मैं इंक्लूड नहीं कर पाया वो आप ज़रूर इसमें कमेंट करिएगा। और हाँ, ऐसी ही वीडियो और इससे अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम ज़रूर इस चैनल पर लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, कोरोना टाइम में मास्क जरूर पहनिए। धन्यवाद।